अच्छा मैं ज़रा इधर जीनियाकी में आया हूँ और मेरा ये माइक ऊपर वाला टूट गया है, जिसमें माइक वो लगाते हैं उसका स्पोर्ट, अभी टूट गया, मुझे समझ नहीं आ रही इसका क्या करूँ। इसको तो हाल निकालना है, अभी खाना खाने आए, खाना खा के फिर इसको तो हल करते हैं। अच्छा बेसिकली इनके पास ना बस ये नीचे तीन बेसिस होती हैं, मतलब राइस या कुछ भी डलवा लो और उसके ऊपर ये चिकन में से कुछ डलवा लो, बीफ में से कुछ डलवा लो या सी फूड में से कुछ डलवा लो और उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ये लो एक क्विक रिव्यू भी ले देता हूँ। खाना कैसा लगा? खाना यार खाना बहुत मज़ेदार है। मैं कहता हूँ इधर तो आके जो 30 बर्ड्स हैं वो दे आर हैविंग मेनी मेनी फीलिंग्स। अच्छा जो पॉसिबल सोल्यूशन मुझे इसके नज़र आ रहे हैं इसको जोड़ने के, ये वो एक तो इसको हम ग्लू से जोड़ लें अगर तो शायद वो स्टे करे, पर मुझे मुश्किल लग रहा है अगर मैं ऐसे ग्लू वगैरह से जोड़ूँ तो ये स्टे नहीं करेगा। बेस्ट सोल्यूशन तो ये है कि ये पार्ट ही रिप्लेस कर लें। पहले इसे देखता हूँ ऑनलाइन अगर कहीं अवेलेबल है। अच्छा तो ऐसा है कि पाकिस्तान में तो ये कहीं नहीं लगा हुआ, इसका जो सिर्फ शॉक माउंट है, पूरा माइक तो लगा हुआ ऑब्वियसली, अली एक्सप्रेस पर लगा हुआ है इसका शॉक माउंट और वो भी है मिनिमम $9 का, मतलब 1400 शायद राउंड अबाउट 1400 और एक $14 का लगा हुआ, दो मतलब लगाया हुआ है अलग अलग सेलर्स ने, जो मिनिमम है वो $9, मतलब 1400 का इसका सिर्फ शॉक माउंट है। इसको अगर मैं ग्लू से जोड़ूं तो मेरा नहीं ख्याल ये स्टे करेगा इतना, क्योंकि ग्लू है और ये बुरी तरह से टूटा हुआ है। इसका एक और हल हो सकता है कि हम इसे अगर किसी तरह 3D प्रिंट कर लें तो मज़ा आ जाए, लेकिन 3D प्रिंटर कहाँ से आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सिर्फ ये इसके वो $9 बचाने के लिए ये प्रिंटर ख़रीद लाया हूँ। ये 3D प्रिंटर है, ये कोई 500-700 वाली चीज़ है, ये मेरा नहीं है। वो मेरे कज़न नहीं आया था सदाम, ये उसका है, उसने बेसिकली लिया था इस्लामाबाद से, तो अभी ये उसको भेजना है या वो लेने आएगा वट एवर, लेकिन फ़िलहाल ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे ज़रा टेस्ट भी करके देख लें। मुझे ये यूज़ वगैरह करना नहीं आता, लेकिन मैंने कहा चेक करके देख लेते हैं, आ ही जाएगा आखिर प्रिंटर ही है। अच्छा साफ सफाई तो होगी, अब ये देखना है इसको प्रिंट कैसे करना है। अब डब्बे में बाकी चीज़ें देखता हूँ, ये है आई थिंक वो मटेरियल जिसके साथ प्रिंट होता है, ये है जिसका आई थिंक वो एंड पे उतारने वाला, क्योंकि वो अगर इसके साथ लग जाए तो इसको मेरे ख्याल है ऑन करने वाली केबल है, ये USB केबल, ये पता नहीं क्या है, और ये कुछ मिनी टूल्स हैं इसके साथ, उसके अलावा कुछ नहीं है खास। ओ ये तो ऑन हो गया। अच्छा इसके ऊपर वाले हिस्से को अब प्रिंट करने के लिए ना मुझे 3D प्रिंटर से एक 3D मॉडल भी चाहिए होगा, या तो वो मुझे खुद क्रिएट करना पड़ेगा, अगर खुद नहीं कर सकता तो अगर किसी ने बनाया हुआ है तो वो ढूंढना पड़ेगा। वैसे मुश्किल ही है किसी ने बनाया हो, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ ज़रा नेट पे मे बी। वो मिल गया। ये किसी भाई का भी यही सेम टू सेम माइक टूटा है और उन्होंने इसी का माउंट बना के और उसका मॉडल बना के अपलोड किया हुआ फ्री में, मतलब कितने अच्छे लोग हैं दुनिया में। अच्छा ये 3D मॉडल को प्रिंट करने के लिए ना इसके साथ एक फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी आता है जो एक प्रिंटेबल फॉर्मेट बनाता है जो सिर्फ इस 3D प्रिंटर में चलता है, क्यूरा के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, तो उससे मैं एक 3D मॉडल कन्वर्ट करके अपने वाला इसमें पेस्ट करूँगा और फिर उसको हम प्रिंट करके देखते हैं। मेरा ख्याल है सदाम को कॉल कर लेते हैं वो, क्योंकि प्रिंट प्रिंट करता रहे पहले तो उसे आइडिया होगा बेहतर कि इसका क्या करना है फर्दर, क्योंकि ऐसे मैं थोड़ा सा फिलामेंट ज़ाया ना कर दूं। हाँ भाई पैन, हाँ जी
زہر بھائی، زہر بھائی بھی پیچھے کھڑے ہیں. یہ دیکھو یار فائل لے آئے ہیں ادھر اسکرین پہ، میں بلکہ دکھاتا ہوں فائل لے آئے وہ کنورٹ کر کے ایسے ہی. اچھا پری ہیٹ پی ایل اے پہ بھی کر دو اور آٹو ہوم پہ کرو، دیکھو وہ ہوم کرتے ہیں زیرو کر رہا ہے. آٹو ہوم کا ہے نا تم نے؟ ہاں یہ کر رہا ہے کچھ. اچھا یہ اس کا جو فلمنٹ ہے میں نے دیکھا تھا، میں نے ویسے اس میں ابھی اس میں لگانے کی کوشش کی تھی، یہ جو اس کا یہ ہے یہ اوپر سے ٹوٹ کیوں گیا اس کے ساتھ، اتنا کچا ہوتا ہے یہ. یہ ٹوٹتا ہی نہ رہے. ہاں ہاں بالکل اس کے بعد. اچھا یہ وہ آگے پائپ میں بھی گزارنے کے بس یہاں تک صرف؟ اچھا پوائنٹ سے آگے جانا نہیں، ابھی ادھر جائے گا تو پھر نا. آپ تو یہ بغیر پریس کیے بھی جا رہے ہو. تمہارے پاس وہ پڑی ہوئی ہے پیپر جوڑنے کے لیے وہ یوہو سٹک؟ نہیں یہ تو ہو گیا جو بھی تھا. بڑا بھائی ہل پڑا، وہ ویری نائس ہل گیا. پرنٹ تو کرنا لگ گیا یہ تو. ہاں لگ تو ایسے ہی تھا اور شیپ بھی صحیح بنا رہے ہیں ابھی تک، شیپ صحیح لگ رہی ہے جیسی ہونی چاہیے جو اس نے ہلکا سا نقشہ بنایا ہے. اچھا یہ پاز میں نے ایسے اس لیے کیا ہے کہ وہ ہل گیا تھا بالکل اپنی جگہ سے، جو اس کا وہ مین سینٹر ہے وہ پراپرلی اس کے میٹ کے ساتھ اسٹک نہیں ہو رہا تھا. اسٹک کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوگی. او نائس، مطلب اسٹک تو یہ اچھا کر گیا. دیکھو سائز وغیرہ، یہ جس نے ماڈل بنایا ماڈل بالکل ٹھیک ہے اس کا. نیچے والا ڈاٹ ہے نا اس کو پہلے پرنٹ کیا تھا کہ وہ نیچے اسٹک رہے. میں جا کے یو ہوں، یو کو لے لوں، یو کو لے لو تو پھر تو بیسٹ ہو جائے گا. پھر تو ویسے تو ہاں پھر وہ کنفرم ہو جائے گا. گلو میں نے پریس کر دیا، بیلٹ ہیوی سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ کوئی 50% ہو گیا اور ابھی تو ٹھیک لگ رہا ہے. جو صدام نے ایڈٹ کر کے فائل بھیجی ہے جو وہ تھوڑی سی بہتر ہے، اس نے اس کے نیچے تھوڑی سی بیس لگائی ہے اس کی کوئی، جس کی وجہ سے ابھی تک اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے. اس پر والا پرنٹ کافی بہتر لگ رہا ہے. یہ تو کمپلیٹ ہو گیا آئی تھنک. ہاں بھائی، ہاں بھائی پرنٹنگ ڈن ہو گئی ہے. ویسے تو سپیچولا مارو نیچے سے اور میں اتار دوں جو چھری دی ہوئی ہے اس کو، نا ٹھنڈا ہونے دو تھوڑا سا، ابھی یہ گرم ہوگا 50 ڈگری کے اراؤنڈ تھا کیونکہ 50 بنے سافٹ ہوتا ہے تھوڑا سا. یہ تو ویسا ہی ہے آلموسٹ، آلموسٹ کیا مطلب وہی چیز ہے ایگزیکٹلی. اس میں ایکسٹرا اس نے کوئی یہ بارڈر سا فل کیا جو کاٹنا ہے، میرے خیال نہ بھی کاٹے تو کام چلے گا اس سے. اوریجنل والا
अच्छा ये प्रिंट ठीक ठाक हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ज़बरदस्त। एक्स्ट्रा इसके नीचे बेस उसने खुद लगाई थी, क्योंकि पहले वाला वो शिफ्ट हो गया था ना, क्योंकि इसके नीचे गैप था तो उसने बेस लगा के इसको ज़रा सपोर्ट दी थी सदाम ने, तो मॉडल को उसने थोड़ा सा बेहतर किया। लेकिन अभी भी ना इसके देखो ये धागे धागे से हैं, इस पर कर ला फोकस, ये इस पर अगर देखो थोड़े धागे धागे से हैं, तो ये इससे मैं रिमूव करता हूँ, फिर ये नीट हो जाएगा। वैसे ये ऑलमोस्ट, और ये फ्लेक्सिबल भी है, अभी भी ये फ्लेक्सिबल है, अगर इसे देखो ना ये। ये हो गया जी शॉक माउंट रेडी। हाँ मेरे तो $9 बच गए, $9 मतलब 1400 रुपीज़ समथिंग। लेकिन आप लोग ऐसे ना बचाना, क्योंकि ये प्रिंटर इतना सस्ता नहीं है और मुझे तो फ्री में, मैं तो मेरे घर पड़ा हुआ था, मेरा भी नहीं था ना फिलामेंट मेरा, मुझे तो टोटली फ्री पड़ा है तो मेरा तो फ़ायदा है। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ करना हो, अगर आप ऐसी चीज़ें मतलब यूज़ करते हैं तो फिर आप प्रिंटर लें, एल्स मेरा नहीं ख्याल आपको ये प्रिंटर लेना चाहिए सिर्फ ये प्रिंट करने के लिए। ऑब्वियसली ये मेरी वो जो फर्स्ट ट्राई है वो है, और इसमें भी वो लग जाता है माइक, लेकिन ये कि इसका वो जहाँ पे वो पेच लगाते हैं वैसा ख़राब है। और खैर ये थी आज की एपिसोड, फिर मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।